तिनसुकिया के नामदाग में मार्गेरिटा चांगलांग रोड पर मंगलवार की सुबह हथियारबंद बदमाशों ने असम राइफल्स के 3 वाहनों पर हमला कर दिया। ये वाहन असम राइफल्स के एक पैलेटरिंग पार्टी को लेकर जा रहे थे। हमले की जिम्मेदारी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम ने ली है। एक बयान में प्रतिबंधित संगठन उल्फा ने कहा कि असम अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे मार्गेरिटा के नामदांग वन क्षेत्र में 16 अप्रैल को सुबह तड़के लगभग 7:45 बजे यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम संगठन के सैनिकों ने ऑपरेशन रिवेंज नाम से एक नया सैन्य अभियान चलाया। स्थानीय लोगों ने कहा कि घात लगाए किए गए हमले में 2 ग्रेनेड विस्फोट हुए। असम राइफल्स के पेट्रोलिंग पार्टी की गाड़ियों पर अज्ञात बंदूकधारियों ने अचानक गोलीबारी की। असम राइफल्स के जवानों ने जवाबी कार्रवाई की है। उल्फा के इस हमले में असम राइफल का एक जवान घायल हो गया, लेकिन अधिकारियों ने इसकी जानकारी अभी तक मीडिया से शेयर नहीं की है। इसकी घटना के बाद सेना के हेलीकॉप्टर मौके पर पहुंचे और राहत बचाव अभियान चलाया। घटना के तुरंत बाद पूरे इलाके की भारी पुलिस बल और CRPF ने मोर्चा संभाल लिया है। फिलहाल इलाके की चारों तरफ से घेराबंदी कर तलाशी अभियान जारी है।